हेलो, हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। ये देखिए बीएससी सेकेंड ईयर, ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर, ये होगा आपका लेक्चर नंबर 70, ठीक, केमिस्ट्री ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में कुल 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो 10 एलिमेंट्स हैं जिसका नाम आपको पता है, एट्रियम, जर्कोनियम, नियोबिलम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ये जो 10 एलिमेंट्स हैं ये आपके सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैं, ठीक। इसके बाद 10 एलिमेंट आपके लैंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। लैंथेनम केवल एक एलिमेंट्स के बाद आपका हाफिनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक, ठीक है ना। ये 10 एलिमेंट हो गए, एक एलिमेंट्स लैंथेनम, बाकी 72 से 80 तक, मतलब 9 और एक ही 10 एलिमेंट्स, ये आपके थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो इनका हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए लिखेंगे क्या कि इन सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज देयर आर 10 एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में कुल 10 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स, नेमली एट्रियम वाई, ठीक, जर्कोनियम जेड आर, नियोबियम एन बी, मॉलिब्डेनम एम ओ, मॉलिब्डेनम के बाद है रुथेनियम, टेक्नीशियम टी सी, रुथेनियम का सिंबल है आर यू, रुथेनियम के बाद रोडियम आर एच, पैलेडियम पी डी,
पैलेडियम, सिल्वर, एंड कैडमियम सी। ये 10 एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स। इन 10 एलिमेंट्स को कहा जाता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। ठीक, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है ये 4d ऑर्बिटल में इंटर करता है। किस ऑर्बिटल में इंटर करता है? 4d ऑर्बिटल में इंटर करता है, इसलिए इनको कहा जाता है 4d सीरीज एलिमेंट्स। और 4d सीरीज को ही कहा जाता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। ठीक है ना। इसमें देखो, इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ये 10 एलिमेंट्स हैं। इन 10 एलिमेंट्स को कहा जाएगा सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स और 4d सीरीज एलिमेंट्स। ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए, इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज देयर आर 10 एलिमेंट, देयर आर 10 एलिमेंट, नेमली 10 एलिमेंट्स नेमली। अब देखो, यहाँ पर जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स है, ये स्टार्ट होता है लैंथेनम से, नेमली लैंथेनम, लैंथेनम। लैंथेनम का सिंबल है LA, लैंथेनम। ठीक है ना। लैंथेनम है LA, जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। इसके बाद लैंथेनम के बाद जो है हाफिनियम। ठीक है ना। हाफिनियम से लेकर, हाफिनियम 72 है, 72 से लेकर 80 मरकरी तक, ये आपके थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स कहे जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखिए, आपका लैंथेनम के बाद है हाफिनियम, हाफिनियम HF, हाफिनियम, हाफिनियम के बाद है टैंटैलम, टैंटैलम, टैंटैलम TA, टैंटैलम TA, ये हो गया 72, 73, 74 है आपका टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन का सिंबल है W, टंगस्टन, टंगस्टन के बाद है रिहेनियम, आर रिहेनियम, रिहेनियम का सिंबल है आर ई, रिहेनियम, रिहेनियम के बाद रिहेनियम, आस्मियम, इरिडियम, आस्मियम, आस्मियम, ओएस, इरिडियम, आईआर, इरिडियम, आस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्करी, प्लेटिनम, पीटी, गोल्ड, एयू एंड मर्करी EHG। ठीक है ना। ये 10 एलिमेंट्स हैं, इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एंटर करते हैं 5d ऑर्बिटल में, इसलिए इनको कहा जाता है 5d सीरीज एलिमेंट्स। और 5d सीरीज एलिमेंट्स को ही कहा जाता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। तो इसमें देखिए, लैंथेनम, हाफिनियम, टैंटैलम, टंगस्टन, रिहेनियम, आस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मर्करी, ये 10 एलिमेंट्स हैं। ये 10 एलिमेंट्स को कहा जाता है
थर्ड ट्रांजिशन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना, या इनको कहा जाता है 5B सीरीज एलिमेंट्स, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, ठीक है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। इसमें अब ये होगा नेम ऑफ एलिमेंट, दूसरा होगा सिंबल ऑफ एलिमेंट, तीसरा होगा एटॉमिक नंबर, और फिर होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। अब इसमें देखिए पहला एलिमेंट्स है आपका इट्रियम, क्या है इट्रियम, इट्रियम के बाद जर्कोनियम के बाद नियोबियम के बाद मॉलिब्डेनम के बाद है टेक्नीशियम के बाद है रुथेनियम के बाद है रोडियम, और रोडियम के बाद है पैलेडियम के बाद है सिल्वर, और सिल्वर के बाद है कैडमियम, ठीक है। अब एट्रियम का सिंबल आपको पता है वाई है, एट्रियम का सिंबल वाई, जर्कोनियम जेड आर, नियोबियम एन बी, मॉलिब्डेनम एम ओ, टेक्नीशियम टी सी, रुथेनियम आर यू, रोडियम आर एच, पैलेडियम पी डी, सिल्वर ए जी, और कैडमियम सी डी। इट्रियम का एटॉमिक नंबर है 39, जर्कोनियम का 40, नियोबियम का 41, मॉलिब्डेनम का 42, टेक्नीशियम का 43, रुथेनियम का 44, रोडियम का 45, और पैलेडियम का 46, सिल्वर का 47, और कैडमियम का 48, ठीक है। इस तरह से ये 10 एलिमेंट्स हैं और इनके ये क्या है एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6। अब देखो इसको हम लिखेंगे 1s2
2s2 2p 6, ये देखिए 1s2 2s2 2p 6, 3s2 3p 6, 3d10, 4s2 4p 6, 4d 5s2 4d 1। अब देखें, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 2 30 36 37 38 और 39, ठीक है ना। तो इस कॉन्फिगरेशन को अब देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब यहाँ देखिए ये हो गया 36 तक आपका आर्गन है, 36 तक क्या होगा आर्गन होगा यहाँ तक ये फर्स्ट से सेकेंड से और ये थर्ड से, ठीक है ना, और ये फोर्थ से है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो आपका ये है जर्कोनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d2 5s2, ठीक है ना, 5s2। इसके बाद नियोबियम का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d 4d 4 4d 4 5s1 4d 4 5s1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन एनामलस बिहेवियर, ये देखो नियोबियम का ये कॉन्फ़िगरेशन एनामलस बिहेवियर है, ठीक है ना। ए यहाँ पर देखिए 4d 3 5s2 होना चाहिए, लेकिन ये होगा 4d 4 5s1, ठीक। इसके बाद नियोबियम के बाद मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d 5 5s2, ठीक। इसके बाद टेक्नीशियम होगा, टेक्नीशियम होगा, अब यहाँ पर हो गया 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 5 41, यहाँ होगा 4 5s1, ठीक। अब टेक्नीशियम का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d 5 और 5s2, ठीक। अब टेक्नीशियम के बाद आता है आपका रूथेनियम, तो रूथेनियम का होगा 4d7। अब देखिए रूथेनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d7 और 5s0 4d7 5s0, रूथेनियम 5s1, कितना हो जाएगा 5s1। अब देखो क्या हुआ, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 2 30 6 36 36 7 43 और 1 44, ठीक। अब यहाँ पर देखिए रूथेनियम के बाद रोडियम, रोडियम का हो जाएगा 4d8 5s1 4d8। अब देखो रोडियम 1s2 2s2
2p6 3s2 3p6 3p10 4s2 4p6 4p8 और 5s1 ठीक। इसके बाद आपका है रोडियम, के बाद आपका आता है पैलेडियम, और पैलेडियम हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p10 4s2 4p6 4d10 5s0 5s0 और इसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1 फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s ठीक है। अब इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि इसमें देखिए आपका जो ये मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम और सिल्वर, ये मॉलिब्डेनम और सिल्वर, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाफ फिल एंड फुल फिलिंग, ठीक है ना। ये जो आपका दिख रहा है ना मॉलिब्डेनम है 4d5 और 5s1, इसका मतलब कि 5s का एक इलेक्ट्रॉन 4d में आ गया, ये हाफ फिल हो गया। तो ये मॉलिब्डेनम है और दूसरा एलिमेंट्स आपका ये सिल्वर है, ठीक है ना, ये सिल्वर। तो इन दोनों एलिमेंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हाफ फिल एंड फुल फिल रीजन से। इस रीजन से एक्सप्लेन किया जा सकता है इनको, हाफ फिल एंड फुल फिल रीजन से इनको, ठीक है ना, ये दोनों को, मॉलिब्डेनम और सिल्वर को हाफ फिल एंड फुल फिल रीजन से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए एक एलिमेंट्स आपका ये नियोबियम है, ये नियोबियम, नियोबियम देखिए ये है 4d5 4d4 5s1 और दूसरा एलिमेंट जो है आपके रुथेनियम है, ठीक है, रुथेनियम और ये रोडियम और पैलेडियम, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो आपके कई एलिमेंट्स हैं, नियोबियम, रुथेनियम, रोडियम और पैलेडियम, ये नियोबियम एक एलिमेंट्स एक, और उसके बाद ये रुथेनियम और रोडियम और ये पैलेडियम, ठीक है ना, ये चार एलिमेंट्स हैं। चार एलिमेंट्स कौन कौन, रुथेनियम, नियोबियम, रुथेनियम, रोडियम और ये पैलेडियम, ठीक है ना, ये चार एलिमेंट्स हैं। और चार एलिमेंट्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एनामेलस कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना, कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, एनामेलस कॉन्फ़िगरेशन है। इनके कॉन्फ़िगरेशन को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसको एक्सप्लेन करने का कोई जो है कोई कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम अच्छा, और उसके बाद देखिए इसमें मॉलिब्डेनम और सिल्वर, मॉलिब्डेनम और सिल्वर को तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हाफ फिल और फुल फिल रीजन के कारण, कि हाफ फिल ऑर्बिटल एंड फुल फिल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू एंड अदर ऑर्बिटल्स या पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन ये चार एलिमेंट्स आप देखिए, चार एलिमेंट्स में कौन कौन, एक नियोबियम है और दूसरा देखिए आपका ये रुथेनियम है, रुथेनियम, ठीक है ना, रुथेनियम के बाद आपका है ये रोडियम है और रोडियम के बाद आपका पैलेडियम है, ठीक है ना। ये जो चार एलिमेंट्स हैं इसको हम, इसका कोई क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये चारों का कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन,
इसका इसका और इसका, ठीक है ना। तो नियोबियम, रुथेनियम, रोडियम और पैलेडियम ये चारों एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन को कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों है, क्यों नियोबियम में 4d4 5s1 है, क्यों रुथेनियम में 4d7 5s1 है, क्यों रोडियम में 4d8 5s1 है और क्यों पैलेडियम में 4d10 5s0 है, इसका कोई क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। ये एनामेलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन का। और इस एनामेलिज्म को एक्सप्लेन करना जो है ये अभी किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका कौन सा रीजन है ये नहीं बताया जा सकता, ठीक है। कुछ रीजन मिलता है इसका कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, ठीक है ना, कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन के बीच इंट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच इंट्रैक्शन के कारण इन चारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है। किसके कारण? न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन के कारण इन चारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। इसका नियोबियम का, रुथेनियम का, रोडियम का और पैलेडियम का, बाकी और कोई क्लियर कट एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें लिखिए, मिटाते हैं आप। क्या लिखेंगे? मॉलिब्डेनम एंड सिल्वर इजीली एक्सप्लेन, देखो मॉलिब्डेनम एमओ, ठीक है ना, मॉलिब्डेनम मॉलिब्डेनम एमओ एंड सिल्वर इजीली एक्सप्लेन ऑन द basis of half filled and full filled half filled and full filled region, ठीक है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि मॉलिब्डेनम और सिल्वर को आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाफ फिल एंड फुल फिल रीजन। तो आप जानते हैं कि हाफ फिल ऑर्बिटल एंड फुल फिल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। तो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल के कंपैरिजन में ये मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए इनका कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। इसके बाद जो आपके चार एलिमेंट्स हैं उनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन the anomalous configuration of niobium, ruthenium, niobium Nb, रुथेनियम आर्यू, रोडियम आर्यच एंड पैलेडियम पीडी, ठीक है ना। इन चार एलिमेंट्स के एनामेलस कॉन्फ़िगरेशन को आप हाफ फिल और फुल फिल रीजन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद
नो सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सच एनोमली। ठीक है ना, जो ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है ना, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन प्ले सिग्निफिकेंट रोल to determine this type of configuration। ठीक है ना, अब इसमें देखिए इस प्रकार के एनोमलिज्म यानी एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए यही कुछ हद तक इनको न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन प्ले सिग्निफिकेंट रोल टू एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ एनोमलीज। ठीक है, तो ये आपका रहा बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है।